दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं एक बहुत ही चर्चित और बहुत सस्ती दवा के बारे में। जी हां दोस्तों, आज तक मैंने अपने चैनल पे इस दवा का रिव्यू नहीं किया है। सभी दवाओं के साथ में इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि डॉक्टर्स किसी भी दवा के साथ साथ में इस दवा को मिला के देते हैं ताकि आपको एसिडिटी की समस्या ना हो, आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या ना हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं एसीलाक 150 mg टैबलेट के विषय में। इसको आप देख सकते हैं, एक स्ट्रिप में 30 टैबलेट की पैकिंग होती है। ये कैडिला कंपनी का बनाया हुआ प्रोडक्ट है। इसकी MRP 23 रुपये के आसपास है। दोस्तों, इसमें रेनिटिडिन 150 mg में डाला जाता है। दोस्तों, अब इसके इस्तेमाल की बात कर लेते हैं। इसका इस्तेमाल गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ में किया जाता है। आप कह सकते हैं कि एसिडिटी को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है आपके स्टमक में, आपके पेट में। एसिड रिफ्लक्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपको हार्ट बर्न की समस्या है, आपको पेट में जलन होती है, सीने में जलन होती है एसिडिटी की वजह से, तो उस केसेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो स्लीपनेस, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, हेडेक, इसी तरह के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। हालांकि एसीलाक 150 को अभी बैन कर दिया गया है, सुनने में आया था। दोस्तों, ख़ास बात यह है कि इस दवा का इस्तेमाल महिलाएं भी प्रेगनेंसी के दौरान, अगर उनको एसिडिटी की समस्या अक्सर रहती है महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान, तो भी इस टैबलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। उनको जो ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं हैं वो भी इस दवा का इस्तेमाल कर सकती हैं, इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट उनको नहीं होता है। दोस्तों, जब भी आप कोई पैन किलर दवा लें, दर्दनाशक जब आप कोई दवा इस्तेमाल करें, तो स्पेशली आप एक एंटा एसिड ले लिया करें, जैसे रेनिटिडिन 150 mg, ओमिप्राजोल, रेबिप्राजोल, पेंटाप्राजोल, इस तरह के जो एसिड रिड्यूसर होते हैं, एसिड को न्यूट्रल करते हैं आपके पेट में, इन सभी दवाओं का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।